अगेन होना चाहे साल मैंने किया ये ब्यूटीफुल सा लुक क्रिएट। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने अप्लाई कर लिया था टोनर गुड वाइब्स का एंड नेक्स्ट मैं मॉइस्चराइजर के लिए यूज़ कर रही हूँ सिस ब्यूटी का मॉइस्चराइजर एंड प्राइमर। तो यहाँ आपके इस प्रोडक्ट से दोनों काम हो जाता है, एज अ प्राइमर और एज अ मॉइस्चराइजर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं एंड बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है। और आईब्रो फिल करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ डार्क ब्राउन कलर की आईब्रो पेंसिल क्योंकि बहुत ही नेचुरल फिनिश देती है और ब्लेंड कर देना इसको, उसके साथ एक ब्रश भी मिलता है आपको ब्लेंड करने के लिए। एंड नेक्स्ट मैं आई बेस के लिए यूज़ कर रही हूँ हिमालयो का HD कंसीलर और ये कंसीलर बहुत ही हाई कवरेज है और इसमें मैंने अपने टोन से 3 शेड लाइट का कंसीलर लिया है आई बेस। और यहाँ नेक्स्ट ट्रांजिशन शेड के लिए मैं ये लाइट ब्राउन कलर का आई शेडो अप्लाई कर रही हूँ एज अ ट्रांजिशन शेड अपनी क्रीज पर। आपको इसको अपनी क्रीज पर लगाकर अच्छे से अप्लाई करना है। अब नेक्स्ट आपको एक पेंसिल ब्रश की हेल्प से एक ब्लैक कलर का आई शेडो लेकर आपको वी क्रिएट करना है अपने आउटर आई कॉर्नर पर और इनवर्ड डायरेक्शन में आपको इसको ब्लेंड करना है जैसे मैं ये अप्लाई करके कर रही हूँ। और आपको ये थोड़ा थोड़ा लेकर आपको अप्लाई करते जाना है इसको अच्छे से और दोनों साइड्स आपको ये अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। अब नेक्स्ट मैं अपने पेस्टल पैराडाइज में से ये सिल्वर कलर का आई शिमर ले रही हूँ और ये पेस्टल पैराडाइज का ये पैलेट बहुत ही अमेजिंग है। इसमें आपको शिमर मैट ग्लिटर सारे शेड्स मिलते हैं और इसमें से मैंने सिल्वर लिया है क्योंकि मेरी जो कुर्ती है वो सिल्वर कलर की है। अब नेक्स्ट मैं यहाँ एक लूज ग्लिटर ले रही हूँ और एक वेट ब्रश की हेल्प से इसको मैं अप्लाई करूँगी क्योंकि मेरी ग्लिटर ग्लू मुझे नहीं मिल रही थी तो मैंने ये हैक ट्राई कर लिया। आप इस वजह से भी आप अपना ग्लिटर अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ मैं ले रही हूँ लाइनर के लिए NYB का मैट लाइनर और ये मैट लाइनर बहुत ही अमेजिंग है, बिल्कुल भी मैट फिनिश देगा आपके आईज पे। और नेक्स्ट यहाँ प्राइमर के लिए यूज़ कर रही हूँ मैं मालियो का फोटो फिनिश प्राइमर और ये फोटो फिनिश प्राइमर आपके पोर्स को बहुत ही ब्लर आउट कर देगा और बहुत ही अमेजिंग इफेक्ट देगा आपके बेस के लिए। एंड नेक्स्ट यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ सिस ब्यूटी का हाई कवरेज फाउंडेशन, बट ये हाई कवरेज लिखा है बट ये लो टू मीडियम कवरेज देता है आपको और ये एक ग्लोई फाउंडेशन है, इसमें एक थोड़ा सा ग्लो भी देता है आपके फेस पर। और इसकी मुझे कवरेज लग रही थी बहुत ही लो तो मैंने दोबारा से इसको एक कोट अप्लाई किया है अगेन। और यहाँ जो मैं ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ वो मेरे इंस्टाग्राम स्टोर से है जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी का है। एंड नेक्स्ट मैं सेम यूज़ कर रही हूँ मालियो का HD कंसीलर जो कि इसमें मेरे शेड से 2 टोन लाइट लिया था मैंने। सो ये एक हाई कवरेज कंसीलर है और आपका फाउंडेशन अगर लाइट वेट है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं हाई कवरेज कंसीलर को, तो आपका बेस बहुत ही अमेजिंग बन जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ सेट करने के लिए यूज़ कर रही हूँ मैं मालियो का मास्टर फिक्स लूज पाउडर इन द शेड 03 और ये लूज पाउडर भी बहुत अमेजिंग है आपके बेस को जो लॉन्ग लास्टिंग बनाता है और लॉक कर देता है। और इसमें भी आपको 4 शेड्स मिल जाते हैं और इसमें 4 शेड्स अवेलेबल, तो आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग कोई भी शेड यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ इसको अप्लाई करने के बाद मैं यूज़ कर रही हूँ एक वाइट कलर का काजल और यहाँ मैं नेक्स्ट एक स्मॉल ब्रश की हेल्प से ये ब्लैक कलर का आई शेडो अप्लाई कर रही हूँ अपनी लोअर लैश लाइन पे। एंड नेक्स्ट मैंने इनर कॉर्नर को हाईलाइट कर लिया है सिल्वर हाईलाइटर से सेम जो मैंने आई शेडो में यूज़ किया था। और यहाँ एक्सेस पाउडर को कर देना है आपको रिमूव और यहाँ रिमूव करने के बाद आप देख सकते हैं कि बेस कितना अच्छा है। सो आप इन अफोर्डेबल प्रोडक्ट से भी बहुत अच्छा लुक क्रिएट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट मैंने यूज़ किया है ये ब्लशर पैलेट जो कि है एंजल रोज़ का। एंड नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का मास्टर कॉम हाईलाइटर, तो जहाँ जहाँ मुझे हाईलाइट करना है मैंने अपना हाईलाइटर अप्लाई कर लिया और ये बहुत ही अच्छा हाईलाइटर है और यहाँ ग्लो देख सकते हैं आप इसका। अब नेक्स्ट यहाँ मैं पुडियार्ड का मस्कारा यूज़ कर रही हूँ और यहाँ जो ये मस्कारा का ब्रश था वो बहुत ही अच्छा था, इसका एप्लीकेटर अप्लाई करने में बहुत ईजिली अप्लाई हो रहा था। एंड नेक्स्ट यहाँ मैंने यूज़ किए हैं फॉर्स्ट लैशेज अमेजोन की, तो यहाँ लिपस्टिक लिए मैंने ये 2 न्यू शेड अप्लाई किए हैं। एंड नेक्स्ट यहाँ मैंने एक फिक्सर यूज़ किया है मालियो का ड्यूई मेकअप फिक्सर और यहाँ लगा ली मैंने ब्लैक कलर की बिंदी। सो इस लुक को क्रिएट करने के लिए मैंने जो भी अफोर्डेबल प्रोडक्ट यूज़ करे हैं वो सारे मेरे इंस्टाग्राम स्टोर से हैं। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे फॉलो कर लेना मेरे इंस्टाग्राम स्टोर, लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को कर देना।